सुल्तान भाई, सुल्तान भाई किधर? ओ आराम से, वो अंदर कहां जा? सुल्तान भाई, यूं मेरे घर पर जाकर मेरे घर वालों को धमकाने का क्या मतलब है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्यों गए आप मेरे घर? गलती हो गई भाई, माफी मांगता हूं। बल्कि कहो तो अम्मा से भी आके माफी मांग लूंगा, लेकिन दो दिन की मोहलत थी ना, वो पूरी हो गई। हक तो बनता है मेरा। सुल्तान भाई, 8 लाख का बंदोबस्त करना मुझे 2 दिन में नहीं होता, लेकिन आपने ये जो बदमाशी की है ना, बहुत गलत किया है आपने। चल मान लेते हैं तेरी बात, नहीं करते बदमाशी। हाँ बैठ मेरे पास, आजा आजा आजा, बैठ बैठ ना, बैठ। देख दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? बल्कि तू मेरा आज से पार्टनर। हाँ बल्कि एक काम कर, तेरा कर्जा भी माफ, क्योंकि तू बहुत जीदार बनता है। वाकई? लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? हम सबको तू चाय पिलाने ले जाएगा अपनी गाड़ी। बोल मंजूर है? बोल बोल। हाँ ठीक है, चले। चलो भाई चलो, अरसलान भाई सबको चाय पिलाएंगे, आ जाओ। उस्ताद हम तो अपनी गाड़ी में चलेंगे। ठीक है चले। आप अंदर जाके सो जाए, मैं जाग रही हूँ, अरसलान आएंगे तो दरवाजा खोल दूंगी मैं। जाओ जाके अपना काम करो। अच्छा और ये जो अच्छी बीवी का ढकोसला करती रहती हो ना, ये मत किया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिन बीवियों के शौहर जुआ खेलते हैं ना, उन्हें अच्छी बीवी बनने के ढकोसले करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ आपकी फिक्र में कह रही थी कि आप बेआराम हैं, जाके सो जाएं। अच्छा बड़ी परेशान हो मेरे लिए? अगर ऐसी बात है तो कबीर से कहो पैसों का बंदोबस्त करे। कहां से करेंगे वो बंदोबस्त? रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, जिसके पैसे अभी तक मिले नहीं है उन्हें। आप लोगों की लालच और हविस की वजह से वो खोखले हो गए हैं। उनको मजीद तकलीफ ना दें ये बता के कि उनका दामाद जुआरी है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ना यहाँ से कोई मेरे बाबा को इस बारे में बताएगा और ना ही मैं बताऊंगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो अरसलान के कहने पर तुम्हें इस घर में बहू बना के ले आई। वो दिन और आज का दिन, इस घर का सुख चैन सब गारत हो गया। इस घर का सुख चैन मेरी वजह से गारत नहीं हुआ, आपके अपने किए की वजह से हुआ। अगर आप मेरी माँ में, उनकी तरबियत में, उनकी औलाद में कीड़े ना निकालती ना, अपने घर पे और अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देती, तो ऐसा ना होता जो आज हुआ है कि लोग घरों पर आ रहे हैं वसूलियां लेने के लिए। जो आपने बोया है वो काटने का वक्त आ गया।